नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का अलर्ट, आज से उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में और किन किन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को आखिर तक देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी बीच पहाड़ों में बर्फबारी में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी में तेजी देखी जा सकती है। इसी दौरान कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय है। फिलहाल आपको बता दें गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत के अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की है। इसी बीच आपको बताने की मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में अब कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी और सुबह सुबह उत्तर भारत में कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आज को मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 2-3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी। इसी बीच मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में आपको बता दें आज की दोपहर से कल की दोपहर से आपको बता दें 2-3 दिनों तक तेज निचले स्तर की उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम और बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के उच्च पर्वतीय भागों में आपको बता दें आज से 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो हिमाचल में मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई। इसी बीच उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में कैसा रहेगा तापमान, तो इसको लेकर भी एक खबर आ रही कि दिल्ली में गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं बीते 2-3 दिनों से आपको बता दें दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगातार 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।